चंद्रयान 3 के भौकाल को देखकर रूस ने खोए होश। भारत का बाहुबली चंद्रयान 3 अपनी मंजिल की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे देख रूस ने अचानक से 50 सालों बाद लॉन्च किया अपना मून मिशन, जिसके कारण इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को 23 अगस्त से पहले चांद पर लैंडिंग कराने का फैसला ले रहे हैं। और इस मिशन के हर पड़ाव में चंद्रयान 3 को मिल रही सफलता को देख नासा, चीन और पाकिस्तान बौखला उठे। इसलिए दुनिया भर में यह चर्चा हो रही थी कि हो सकता है चंद्रयान 3 के पीछे पीछे नासा और चीन अपना मून मिशन लॉन्च कर दें। हालांकि इन बातों में हमने भारत के दोस्त रूस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से टूटी हुई कमर के साथ रेंग रहे रूस ने अपना दबदबा बनाने के लिए भारत से ही पंगा ले लिया। जहां रूस ने अचानक से अपने मून मिशन लूना 25 को चंद्रयान 3 से पहले चांद पर उतारना चाहता है, लेकिन आखिर रूस कैसे इस मिशन को अंजाम तक पहुंचा पाएगा और इसरो का वह कौन सा सपना था जिसे रूस चूर चूर करने का मास्टर प्लान बना चुका है, जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं जीके दृष्टि यूट्यूब चैनल। भारत के चंद्रयान 3 के बाद अब रूस भी चांद पर उतरने के लिए बेताब है। रूस के वैज्ञानिकों की पूरी कोशिश है कि वह चंद्रयान 3 से पहले ही चांद पर अपने लैंडर को लैंड करवा दें। इसलिए रूस ने हड़बड़ी में अपने मून मिशन को 11 अगस्त के दिन ही चांद की तरफ रवाना कर दिया है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव में उस डार्क साइड पर उतारने का प्लान बना चुका है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। इसके साथ भारत दुनिया का पहला देश बन जाता जिसने चांद के इस खौफनाक इलाके पर जीत हासिल की है। लेकिन अब रूस ने हमारे मिशन ऑब्जेक्टिव को भी चुरा लिया है और रूस भी अपने लूना 25 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही उतारने वाला है, और वह भी भारत के विक्रम लैंडर से पहले। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर इसरो ने वह कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली है कि रूस को अचानक से मिर्ची लग चुकी है। क्या रूस, भारत और अमेरिका के अच्छे संबंधों से बौखला उठा? चीन ने अंदर ही अंदर रूस के कान भरने का गेम खेला है? और क्या चंद्रयान 3 के खिलाफ तगड़ी साजिश की रची जा रही है? दोस्तों, साल 1976 में रूस ने चांद के सैंपल कलेक्ट करने के लिए अपने लूना 24 मिशन को भेजा था, जिसकी चांद से धरती पर वापसी होने के बाद से रूस ने ऑफिशियली अपने मून मिशन पर ताला लगा दिया था। लेकिन अब 47 साल के बाद रूस अचानक से जाग उठा है। चंद्रयान 3 को पीछे छोड़ने के लिए वह अपने मिशन को चांद पर डार्क साइड भेज रहा है। चंद्रयान 3 मिशन की तरह पृथ्वी और चांद की कक्षा में गोल गोल घुमाकर नहीं भेज रहा। इसी वजह से पृथ्वी से चांद तक जाने की उसकी टाइमिंग काफी कम हो चुकी है, क्योंकि जहां हमारे चंद्रयान 3 को करीब 30 लाख किलोमीटर का सफर तय करके चांद की सतह तक पहुंचना होगा, वहीं सीधे रास्ते की वजह से रूस का लूना 25 सिर्फ 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करके ही चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। साथियों, मून मिशन की शुरुआत से ही अमेरिका और रूस अपने अंतरिक्ष यानों को सुपर पावरफुल रॉकेट पर सवार करके जल्द से जल्द चांद पर पहुंचाने में यकीन रखते हैं। हालांकि इसके मिशन का खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है और रिस्क भी बढ़ जाता है, जबकि भारत पहले से ही चांद पर जाने के लिए अंडाकार रास्ते को अपना रहा है, जिसमें भले ही समय ज्यादा लगे, लेकिन यह तरीका काफी किफायती और सुरक्षित है। इसलिए जहां चंद्रयान 3 के सफल होने के चांसेस 100% है, वहीं रूस के लूना 25 मिशन की सफलता के सिर्फ 50% है। चांद से लूना 25 मिशन के शेड्यूल की बात करें तो रशियन स्पेस एजेंसी रॉस कॉस्मॉस से 11 अगस्त के दिन लॉन्च कर चुका है, और करीब 5 दिन के बाद 16 अगस्त के दिन यह अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में पहुंच चुका है, जिसके बाद 4 से 5 दिन तक चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा और लैंडिंग के लिए तय की गई 3 जगह में से किसी एक जगह पर लैंड करेगा। रूस के लूना 25 की लैंडिंग डेट 21 या 22 अगस्त की बताई जा रही है, क्योंकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग से 1 या 2 दिन पहले होगी, यानी कि अगर रशिया का यह मिशन सफल हो जाता है तो भारत की जगह रूस दुनिया का पहला देश बन जाएगा जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले कदम रखा है। साथियों, रूस ने इसरो के चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भी टांग अड़ाने की कोशिश की थी, हालांकि वो अपने यान को लॉन्च नहीं कर पाया था, लेकिन अब एक बार फिर इसने वही हरकत को दोहरा दिया है और भारत के पीठ पीछे छुरा भोंकने की कोशिश की है। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की यह हरकत देखकर
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी काफी हताश हो गए हैं और इसरो भविष्य में रसिया के साथ कभी भी स्पेस कोलैबोरेशन नहीं करने वाला है। दोस्तों, अपनी इस हरकत को लेकर बयान देते हुए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉस कॉस्मॉस ने कहा कि चंद्रयान 3 और लूना 25 दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग इलाकों में लैंडिंग की योजना बनाई है। रूसी स्पेस एजेंसी के चीफ ने अपने बयान में यह भी कहा कि ऐसा कोई खतरा नहीं है, ये दोनों अंतरिक्ष यान एक दूसरे के रास्ते में आए या फिर टकरा जाए, क्योंकि चंद्रमा पर काफी स्पेस जगह है। हालांकि रूस की इस हरकत से फिलहाल भारत चुप बैठा है, लेकिन अगर रूस के इस स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रयान 3 मिशन में कोई भी बाधा डाली तो हो सकता है कि गुस्से में भारत रूस के टूटे हुए पैरों के नीचे से आर्थिक और सामाजिक रूप से अपना सपोर्ट वापस खींच ले और रूस मुंह के बल नीचे गिर जाए। लूना 25 मिशन के डिटेल्स की बात करें तो जहां चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 2 हफ्तों तक रहने वाला है, लूना 25 साल भर तक वहां काम करने वाला है। लूना 25 का वजन 1750 किलोग्राम है और इसमें 30 किलोग्राम के वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं, जिसमें एक ऐसा खास रोबोटिक यंत्र शामिल है जो सतह की 4 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी के सैंपल जमा करेगा, ताकि चांद की सतह के नीचे मौजूद फ्रोजन यानी जमे हुए पानी की खोज की जा सके। इसके अलावा सतह के नीचे मौजूद खनिजों की जांच के लिए भी लेजर स्पेक्ट्रोमीटर जैसे उपकरण लगाए गए हैं। रूस का कहना है कि हमने इस मिशन की प्लानिंग 1990 में शुरू कर दी थी, लेकिन कई कारण वश हमारा यह मिशन डिले लिए होता चला गया और 33 सालों बाद जब सब कुछ रेडी हो चुका है तो हमारे लूना 25 को लॉन्च करने में बिल्कुल हम देर नहीं करना चाहते। अपने इस मिशन से रूस भारत की तरह ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहता है। अब बात करें भारत के चंद्रयान 3 की, तो यह लूना 25 से 2 दिन बाद यानी 23 अगस्त के दिन शाम के 5:47 पर चांद की सतह पर उतरने वाला है, जिसके बाद विक्रम लैंडर और रोवर पूरे 14 दिनों तक चांद की सतह पर प्रयोग करेंगे। और सब सही रहा तो मिशन ड्यूरेशन को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर स्पेस मिशन में पहले ड्यूरेशन कम रखी जाती है, लेकिन उपकरण सही सलामत हो तो इसे बढ़ा दिया जाता है। जैसा कि हमारे मंगलयान मिशन की ड्यूरेशन तो सिर्फ 6 महीने के लिए प्लान की गई थी, लेकिन यह पूरे 7 सालों तक मंगल की कक्षा में रहा और मंगलयान ने मंगल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। लेकिन चांद पर लैंडिंग इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी है और बहुत पतला वातावरण है। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में काफी बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे होने के साथ धूल उड़ती है, और ये सभी कारण किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने में काफी चैलेंज देते हैं। पिछली बार चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पर चंद्रयान 2 के लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था, और इन्हीं में से किसी एक कारण की वजह से वह चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था। लेकिन पिछली बार आई मुसीबत से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल बनाया है। इस मिशन के सफल होने की दुआएं आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।